नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। स्वागत है आपका इट इज़ नेहा एडुकेटर चैनल पर। तो जैसे कि अभी 3 सितंबर से जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं एनटीटी के, जो कि आज कल तो हुआ ही था 3 सितंबर को, आज 4 सितंबर को जो है आज दूसरा दिन था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो हालांकि कल जो रिव्यू है मेरे पास एक दो ही आए थे, लेकिन आज जो है मेरे पास कम से कम 10-15 लोगों के रिव्यूज़ आ चुके हैं, जिन लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया है। काफ़ी लोगों ने अपना टाइम निकाल के मुझे ईमेल किए हैं या कमेंट बॉक्स में बताया है, तो उन सभी को थैंक यू। एक तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, ताकि आपका एक्सपीरियंस जो है या तो लोग कमेंट पढ़ के देख सकते हैं और उसके लिए तैयार हो सकते हैं वो, कि उनका भी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्दी होने वाला है। इसके अलावा जो मेरे थ्रू है, मैं इस वीडियो के थ्रू सभी को बताने वाली हूँ कि किस तरीके से जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो है प्रक्रिया हो रही है, तो उसमें 2-4 पॉइंट मैं आपको बताऊँगी। इसके अलावा जो भी नॉर्मल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो चीज़ें होती है वही सारी लागू है इसमें, तो ऐसा कोई स्पेशल इशू नहीं है। जैसे कि और जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते आए हैं, उसी प्रकार से ये भी हो रहा है। सो इसमें आपको डरने की कोई भी नीड नहीं है, अगर आप सही हैं कि बस वैलिड डिग्री है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है अपना जो भी स्क्रूटनी जो फॉर्म है वो अच्छे से जो प्रिंट निकलवा के अलग अलग दो आपको कॉपी बनानी होगी उसकी, मतलब दो सेट बनाने होंगे। कॉपी का नाम मैं नहीं ले रही अभी, क्योंकि आपको जो दोनों में कॉपी नहीं करवानी, सीधा आपको प्रिंट आउट निकलवा के दोनों को फिल करके, पहला तो आपको उसका अच्छे से फिल करके वो आपको पूरा फिल होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपकी जो भी डिटेल्स है वो उसमें आ जाए स्क्रूटनी फॉर्म जो है। इसके अलावा जो आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं, जो भी आप डिग्री डिप्लोमा आप लगा रहे हैं, इसके अलावा आपने जैसे ग्रेजुएशन का लगाया है तो वो भी आपकी जो है डिग्री ओरिजिनल भी साथ में लेकर जाएं, ताकि वो क्योंकि वेरीफाई करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप फोटो कॉपी सारी लेकर जा रहे हैं, तो पहले मैं बता दूँ आपको ओरिजिनल भी साथ में लेकर जानी है, क्योंकि जो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सीधे जमा कर रहे हैं, उसके बाद जो है फाइनलाइज करेंगे बाद में। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं तो वो ओरिजिनल के साथ एक बार क्लियर करके कि ये वाली है या नहीं है, तो इस तरीके से आपको साथ में जो भी आप फोटोकॉपी जो भी चीज़ें की लगा रहे हैं, आधार कार्ड की भी लगा रहे हैं या फिर 10th की मार्कशीट की लगा रहे हैं, तो आपको साथ में ओरिजिनल जो है वो तो लेकर जानी ही है। तो इसके अलावा और जो भी आप शपथ पत्र लगा रहे हैं तो उनकी फोटोकॉपी नहीं लगेगी, उनके जो आपको ओरिजिनल है वही जमा होंगे, जो भी आपका एफिडेविट आपने बनाया है, जितने भी इसमें एफिडेविट मांगे गए हैं। इसके अलावा आपने अलग से कोई नाम को लेकर या फिर और किसी चीज़ को लेकर अगर आपने बनाया है तो उसका जो है ओरिजिनल ही लगने वाला है। और अभी तक जो है जो भी जिसका भी अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, तो उसमें स्पेशली यही चेक की जा रही है कि जो आपकी डिप्लोमा है वो एक वैलिड तरीके से आपने परस्यू मतलब किया था, या फिर ये किस तरीके से हुआ था, या फिर जो डिप्लोमा है वो वैलिड है या नहीं है, जिस इंस्टीट्यूट ने करवाया था वो सही है या नहीं है, वो इस तरीके से की चीज़ें चेक करके वो आपको आपकी जो डॉक्यूमेंट की जो फाइल है वो सबमिट कर रहे हैं अपने पास में। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको बता ही दिया है जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लेकर जा रहे हैं साथ में आपको अटेस्ट तो करना ही है। उसके अलावा अपना जो भी एक चेकलिस्ट बना सकते हैं उसके साथ में आप लिख सकते हैं कि ये वाला डॉक्यूमेंट ले लिया, ये सभी चीज़ें कंप्लीट करके। उसके अलावा आपको अलग से एक अपनी खुद की फाइल रख के उसमें आपको सारे ओरिजिनल ले लेने हैं, ताकि जब वो चेक करे कि जो ओरिजिनल से मैच करना होगा उनको, क्योंकि ये कोई भी आप फोटोकॉपी दे रहे हैं तो उसके साथ में वो मैच करके फिर उसके बाद बता देंगे कि हाँ कि ये सही है, उसके बाद वो रख लेंगे। तो ये है, इसके अलावा और जो सारी प्रोसेस है वो और सभी के अकॉर्डिंग हो रही है। अगर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाते हैं तो आपको कोई इशू होने वाला नहीं है। आप जो भी मतलब आपने जिस रिजर्वेशन से फिल किया होगा फॉर्म, जिस कैटेगरी के अंदर आप आते हैं, वो सारे आप जो है प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट वगैरह लेकर जाएं, ST का, SC का हो चाहे फिर OBC का हो, वो सभी आप लेकर जाएं, MBC का, क्योंकि ये ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप नहीं लगाएंगे तो फिर बाद में आपको समस्या आएगी। इसके अलावा एक ये है कि जिन लोगों ने मिस कर दिया है, कि कई लोग नहीं जा पाए जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया, तो ये एक प्रोसेस जो होती है एक फॉर्मल तरीके से पूरी होती है,
तो इसमें जिन लोगों का भी एब्सेंट लगेगा उनको एक बार टाइम दिया जाएगा कि जिस पे आपको जाकर करवाना होगा, फिर उसके उस टाइम भी अगर कोई नहीं जाता है तो उसके बाद जो है वो कैंसिल कर दिया जाता है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हालांकि इसके बाद भी जो एब्सेंट रहेंगे, तो इसके पहले भी बताती आ रही हूँ कि जितने जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी को पार्टिसिपेट करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ताकि एब्सेंट लिस्ट जो है जो छोटी से छोटी मतलब लंबी नहीं निकले। क्योंकि काफ़ी लोगों के ऐसी क्वेरी आ रही है कि जिन लोगों ने नहीं करवाया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो वो करवाएं या नहीं करवाएं, तो उनकी एक अलग से लिस्ट आएगी इसके बाद में। तो उस टाइम अगर आपको लगता है करवाना चाहिए तो आप उस टाइम करवा सकते हैं, क्योंकि जितनी भी वैकेंसीज या जितना भी अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी तक हुआ है तो सभी में एक बार एब्सेंट लिस्ट निकलती है। जैसे कि अभी एब्सेंट लिस्ट तो अलग है, इसके अलावा जैसे जो पटवारी जो भर्ती हुई थी 2015 की, उसमें एब्सेंट लिस्ट में काफ़ी बार निकली थी। इसके अलावा जो ज्वाइनिंग का है उसमें भी अभी तक अपडेट्स आते हैं इसमें कि अभी भी किसी ने ज्वाइन नहीं किया तभी भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जबकि उस बात को कम से कम 4 साल से ऊपर हो चुके हैं। तो ये बात भी है क्योंकि एक प्रोसेस है वो जो चलना है वो चलकर रहता है। तो इसी के साथ ये है कि आपने अगर किसी ने मिस कर दिया है तो उनको एक टाइम मिलेगा, तो उसमें आप जाके करवा सकते हैं। इसके अलावा आप लोग और भी जो लोग हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है तो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, जब भी आपको बुलाया जाता है उसी टाइम जाके आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा ले, तो एक आपका जो ये बोझ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कब होगा तो वो भी उतर जाएगा। तो ये सही है। और इसके अलावा अभी भी आपको कोई डॉक्यूमेंट्स को लेकर क्वेरी रहती है तो आप आराम से जो अमेंडमेंट ऑर्डर आया था जिसमें बताया गया था कि डेट चेंज हुई है उसको आप पढ़ सकते हैं। नीचे जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं वो आप सारे तैयार करवा सकते हैं। कॉलेज से अभी तक आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट या फिर अटेंडेंस का या फिर NCT अप्रूव्ड कोई भी अगर नहीं लिया है तो आप अभी भी जाकर ले सकते हैं। मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट के बारे में है कि यार लेना है नहीं लेना, तो आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैंने वीडियोज़ भी बना रखे हैं तो उनको देख सकते हैं, जिससे आपको मैं ईजिली पता चल जाएगा। और इसके अलावा जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट की मैंने बात की थी तो इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाया था, क्योंकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऐसी चीज़ होती है क्योंकि ये ज़्यादा दिन तक के लिए वैलिड नहीं होता। जैसे आपके 10th की मार्कशीट है वो आपके लाइफ टाइम चलेगा, लेकिन कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक थोड़े दिन के लिए होता है कि 6 महीने तक उसकी वैलिडिटी होती है, ऐसा कुछ होता है। तो जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहीं भी चाहे लगता है वो एक ओरिजिनल फॉर्म में ही लगता है, मतलब जिस पेज पे अगर वो येलो कलर का पेज जैसा होता है या फिर किसी भी पेज पे होता है जहाँ पर एक जो उसकी रियल सील वगैरह साइन वगैरह होती है इंक लगा के, तो वही चलता है वहाँ। ऐसा नहीं है कि आप उसकी भी फोटोकॉपी लगा कर दे रहे हैं तो ऐसा नहीं चलता, क्योंकि वो भी एक इतना ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो आप ये ज़रूर ध्यान रख लें कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल ही लेकर जाना है, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। क्योंकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट का जो ज़्यादा जो टाइम होता है वो एक सीमित समय के लिए होता है कि 4 महीने 5 महीने 6 महीने तक वो वैलिड होता है, उसके बाद वो नहीं होता है। तो इसके लिए पहले ये एक कॉपी मान सकते हैं, तो उसकी आप ओरिजिनल ज़रूर लेकर जाएँ। और वो भी आपको दो दो सेट में लगानी है तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। मैंने बता दिया आपको कि अगर एक इंसान से आप बनवा रहे तो उसके पास से आप दो बनवा के लेकर जाएं ताकि एक एक लग जाए। इसके अलावा दो दूसरा है आप किसी भी उत्तरदायी व्यक्ति से बनवा सकते हैं। और इसके अलावा और जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप इनमें देख सकते हैं कि कौन कौन से लेकर जाने हैं कौन से नहीं लेकर जाने हैं। आय प्रमाण पत्र है, NCT से अप्रूव का प्रमाण पत्र है, और इसके अलावा जो अपने प्रवेश दिनांक है वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई है, वो सारी चीज़ें लेकर जाएं। स्काउट गाइड का सर्टिफिकेट लेकर जाएं, जो भी सारी चीज़ें हैं वो सारी आप लगा लें अपने डॉक्यूमेंट्स में। और इसके अलावा मैंने बताया है आपको जो एडवर्टीजमेंट का आया था जिसमें PDF था उसको ज़रूर आप फॉलो कर लें, उसमें सारा दिया हुआ है उम्र के अकॉर्डिंग और योग्यता क्या है वो सारी चीज़ें दे रखी है। जब स्क्रूटनी फॉर्म होता है तो उसमें भी बता रखा होता है कि आपने इसको फिल करने से पहले जो भी आपका एडवर्टीजमेंट होता है कोई भी वैकेंसी का, तो उसको ज़रूर पढ़ ले ताकि आपको आके फिल करने में भी उसको आसानी होगी और आपको पता चल सकेगा इन चीज़ों का। तो अभी तक जो मैंने रिव्यूज़ आए हैं वो मैंने बता दिए हैं, आगे आप लोग ज़रूर जैसे कल जिसका होने वाला है बाद में जो भी जिन लोगों का भी होने वाला है तो
तो आप ज़रूर अपने रिव्यूज़ शेयर करें कमेंट बॉक्स में, या फिर मुझे अपनी ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। आप जो है मेरा टेलीग्राम का चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, इसका जो नाम है वो यूट्यूब के चैनल जो है उसी के नाम से इट इज़ नया एडुकेटर, आपको सर्च करना है वहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ से आप जाके जो है टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने जो डिस्कशन का एक ग्रुप भी बना रखा है उसमें आप ऐड हो सकते हैं, उसके अंदर जो आराम से जो मैसेज वगैरह इजीली आप सेंड कर सकते हैं, दूसरों से कनेक्ट हो सकते हैं, और मुझे भी आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो मैंने बता दिया है जो भी डिटेल्स है, आप किस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं मुझे, अपने रिव्यूज़ कैसे सेंड कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या फिर आप ईमेल कर सकते हैं, और टेलीग्राम का चैनल है वो आपको ज्वाइन कर लेना है, ताकि आपको जो भी नई अपडेट होती है मैं ज़रूर उस पर पोस्ट कर देती हूँ। डिस्कशन का अलग से मैंने ग्रुप बना रखा है, और इसके अलावा जो ईमेल आईडी वो आप नोट कर सकते हैं, इट इज़ neha30@gmail.com, तो इस पर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, रेलेवेंट लगेगा तो मैं रिप्लाई जो है वो ज़रूर करूँगी। इसके अलावा कोई क्वेरी भी है तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। और पहली बार इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको रोज़ आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पर मिल जाए, सबसे पहले आप वीडियोस देख सकें। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि जब राजस्थान चयन कर्मचारी चयन बोर्ड की जो है वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें, क्योंकि इस पर जो भी नई अपडेट आती है तो उससे आप अवेयर रहें। तो ये है, इसके अलावा लाइक करें, शेयर करें, जो भी एंटिटी से जुड़े हुए लोग हैं उन सभी कैंडिडेट के साथ आप ये वीडियो है वो शेयर करें। सो इसी तरीके से बने रहिए। सो ऐसे ही तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।